दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे गुजराती का फेमस थेपला रेसिपी, जिसके लिए हमने सामग्री लिया है। गेहूं का 1 कटोरी आटा लिया है, बारीक मेथी लिया है जिसको हमने धो के रखा है, और बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है। हल्दी है, नमक है और ऑयल है। अभी हम बनाएंगे थेपला, जिसके लिए हमने गेहूं के आटे में जो हमने बेसन लिया है 1 बड़ा चम्मच, वो डालेंगे। उसके बाद उसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, टेस्ट के थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और जो हमने मेथी लिया है वो भी डाल देंगे उसमें, और मिक्स कर देंगे पहले अच्छे से। उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि वो स्मूथ होता है। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। रोटी से थोड़ा कड़क आटा गूंथना है हमको। आप देख सकते हैं हमारा आटा रेडी हो गया है। 5-10 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। अभी हम पहले उसको बेलेंगे, थेपले को। ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये 2-3 दिन रहता है तो ट्रैवलिंग के लिए आपको बहुत इजी है। कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं। इसको रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा उसके ऊपर तेल डालेंगे हम। इसको पलटा देंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल डाल देंगे। और एक काम करेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे।
अभी हमारा थेपला रेडी हो गया है, जिसको आप दही, चटनी और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं।